यहाँ लाल रंग टॉयलेट सीट के अंदर पानी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये ध्यान से जरूर जरूर देखें। और जब हम रेक्टम शेप में पीले रंग की पट्टी से टॉयलेट ब्लॉक करते हैं तो वह काफी हद तक ब्लॉक तो करती है, वह भी टॉयलेट सीट के अंदर पानी को नुकसान पहुंचा देती है। हमारी नॉर्थ वाली दिशा ब्लॉक हो जाती है पानी वाली, जब हम कहीं पानी को ब्लॉक करते हैं ना तो उस दिशा अच्छा तो वहां भी नीले रंग का बल्ब जगा देंगे, नीले रंग की शेप लगा देंगे, कोई नीले रंग की सीनरी लगा देंगे, नीले रंग का क्योंकि हाँ नॉर्थ में हमने कहा था ना कि उसमें उसका एलिमेंट होना जरूरी है, उसका एलिमेंट अपनी दिशा में होगा फिर वो ब्लॉक नहीं होगा। जैसे हमने लाल रंग की पट्टी टॉयलेट सीट के लगाई, वो साउथ में है तो साउथ में हम लाल रंग उसका ही ले लेते हैं कि टॉयलेट को ब्लॉक कर देगा, है ना। पर वो अंदर तो पानी है ना उसके, खड़ा रहता है वो, तो उसके सराउंडिंग भी कर दिया ना उन्हें, उसको ब्लॉक कर दिया तो वो ब्लॉक हो गया ना, तो वो लोग पानी हुआ तो पानी की दिशा कौन सी है, नॉर्थ। तो नॉर्थ दिशा ब्लॉक हो रही है, इतने पानी कहीं ब्लॉक हो रहा है तो नॉर्थ, तो अपॉर्चुनिटी ब्लॉक की हुई है। कई लोग कहते हैं कि जब से टॉयलेट ब्लॉक करके गया या वास्तुकार, तब से यार अपॉर्चुनिटी अवसर आने बंद हो गए, क्यों, क्योंकि अंदर पानी भी ब्लॉक हो गया। तो हम नॉर्थ में नीले रंग की पट्टी को, नीले रंग का कोई बल्लभ, नीले रंग की प्रेजेंस, नीले रंग की कोई झरना झुरना, पानी की फोटो लगा देंगे तो उसमें वो फिर अपनी दिशा में आने से फ्लो चल पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ना उस दिशा में उस एलिमेंट का कुछ भी नहीं ऐसा होता, मैंने कहा था ना अपनी दिशा में वो कुछ ना कुछ, मैंने कहा था बास रख दीजिए पृथ्वी में, है ना, कहा था ना, तो कुछ भी रख दीजिए कि वो एक्टिव रहे। मैंने क्या कहा था कि देवता एनर्जी लेते हैं, एलिमेंट से एनर्जी लेते हैं, एलिमेंट तो है नहीं वहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर रजनी राजन है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, और एक बार मैंने सर का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो इंस्टेंटली मुझे लगा मुझे ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इनका जो स्पीकिंग स्किल्स थी, जिस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहे थे, वो मुझे डिफरेंट लगा और मुझे समझ में भी आया, दोनों बातें बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र तो सर ने जैसे खुद समझा है, जैसे उसको कंपाइल किया है, वो तो उनका अपना है ही है, बट जैसे उन्होंने हमें डिलीवर किया है, हमें अंडरस्टैंड कराया है बीइंग न्यू टू दिस सब्जेक्ट, वो बहुत ही अमेजिंग है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा जो इन फील्ड्स में नहीं है, उनके लिए कोर्स बिल्कुल एक आशीर्वाद की तरह है। आप सिर्फ ऐसा नहीं है, आप प्रोफेशनली करें, दैट्स वन थिंग, बट अगर आप पर्सनल भी अपने इश्यूज इससे रिजॉल्व कर लें तो इट्स अ वेरी बिग चेंज इन वंस लाइफ, और उसका सारा क्रेडिट सर को जाता है। कोई विद्या जो वास्तु से छू के भी निकलती है, उसको भी इन्होंने मास्टर किया है, और इससे ये पता चलता है कि वो कितने सिंसियर हैं अपने काम में। एक विद्या को समझना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक के देखना क्या है, समझना कैसे है, कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर्स क्या होंगे, उसको एनालाइज कैसे करना है, इंटरप्रेट क्या करना है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक एक स्टेप को बहुत नाइसली एक्सप्लेन करते हैं। और रेमेडीज हैं वो बहुत यूनिक हैं, कई कई तो ऐसी हैं जो कभी सुनी ही नहीं मैंने, और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डिफिकल्ट है, उनको सिंप्लीफाई करके और उसको पहले अंडरस्टैंड कराया कि करना क्यों है, तो उससे जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो हो सकता है कल को हम भी कुछ नया इन्वेंट करें, और वो भी सारा क्रेडिट सर का ही है। आई एम वेरी लकी, और मुझे लगता है कि जो सर को देख के इंस्टेंट एक डिसीजन लिया था, वो मेरा मोर ऑफ लक फैक्टर था। इट्स माय लक, इट एवरीवन्स लक, जो भी सर से सीखते हैं। आई एम सो वेरी थैंकफुल, गॉड ब्लेस हिम, थैंक यू सर।